उजागर परम पल। नमस्कार, संसन की ओर से मैं सरिता श्रीवास्तव आप सभी संगीत रसिकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस वर्ष गंगा महोत्सव के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी द्वारा किया गया है। मैं उनकी ओर से भी आप सभी का स्वागत करती हूँ। यह हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे प्रदेश के राज्यपाल अधिशासी निदेशक पर्यटन श्री एसपी सिंह से अनुरोध करती हूँ। और सांस्कृतिक कार्य विभाग की ओर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। हमारे माननीय आयुक्त वाराणसी मंडल के मार्गदर्शन में जिन्होंने रात दिन जागकर हमारा मार्गदर्शन किया, हमारा जो गंगा महोत्सव हमने इस बार उसको और बृहद बनाने का प्रयास किया है। इसके साथ साथ शिल्प मेला भी आयोजित किया गया है जो बेनियाबाग में है। घर से आए हुए हमारे सभी सहयोगी उठ गया था तो जो निश्चित स्थान था उससे बदलकर ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया है, वो भी सभी सराहना के पात्र हैं कि उन्होंने बहुत थोड़े समय में अपने दिन रात मेहनत करके इस कार्यक्रम का आयोजन किया। क्योंकि बनारस उत्तर प्रदेश की ही नहीं, हिंदुस्तान की ही नहीं, दुनिया के लिए जानी मानी धार्मिक नगरी है। इस महोत्सव का इसलिए यहाँ आयोजित होना एक महत्व रखता है। इस महोत्सव से हमारी धार्मिक परंपराओं का अनुकरण करने के साथ साथ प्रचार प्रसार भी होता है और हमारा उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग इसकी खूबसूरती के लिए, इसकी तरक्की के लिए काफी प्रयत्नशील है। उत्तर प्रदेश को जिन विशिष्टताओं आकर्षणों के लिए जाना जाता है उसमें वाराणसी नगरी भी एक प्रमुख आकर्षण है। अपने आध्यात्मिक सांस्कृतिक शैक्षणिक एवं औद्योगिक महत्व के कारण वाराणसी न केवल उत्तर प्रदेश और भारत बल्कि संपूर्ण विश्व में अपनी एक अलग पहचान रखता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि वाराणसी न केवल उत्तर प्रदेश समेत भारत का गौरव है। यह आस्था व अनूठी संस्कृति के पग पग पर दर्शन होते हैं। यही कारण है कि वाराणसी उसके आसपास के पर्यटक स्थलों पर वर्ष पर्यंत बड़ी संख्या में हम हर आयु एवं वर्ग के देशी विदेशी पर्यटक आते हैं। मैं सचिव एवं महानिदेशक पर्यटन श्री रविंद्र सिंह से अनुरोध करती हूँ। से हमें अभिसिंचित करने की कृपा करें। कि मैं पिछले 6 महीनों से उत्तर प्रदेश में हूं और उत्तर प्रदेश में चप्पा चप्पा ऐसा है जहां पूजा के स्थान हैं, वो हरिद्वार हो, केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, इलाहाबाद हो या काशी हो, हर जगह दिल करता है सिर नवा के रखें। तो यहाँ भाषण की बजाय मैं यही समझता हूँ मेरा शीश निवाना ही काफ़ी है।
एक बात और महसूस करता हूँ, ये भी एक इत्तेफाक की बात है कि पानी किसी और स्थान पर जहाँ ये फंक्शन पहले होता था वहाँ होने के कारण ये स्थान बदला गया है। मैं कुछ दिन पहले भी इस स्थान को देखकर गया था। आज तो इस फंक्शन के कारण ये स्थान बहुत अच्छा लगता था, है अच्छा लगता है, लेकिन उस दिन तो उजाड़ सा लगता था कुछ। और मुझे लगता है कि दो चार दिन के बाद फिर वही रूखापन इस स्थान पर ना आ जाए, इसलिए बेहतर समझता हूँ आदरणीय दलवीर सिंह जी ने जो कहा है कि 17,47,00,000 रुपया यहाँ के लिए रखा गया है काशी के लिए, उसमें कुछ सोच समझ कर ही रखी गई होंगी स्कीमें, वो इस स्थान के लिए भी कुछ आ जाए। और उसके लिए मैं शुरुआत करता हूँ कि अपने डिस्क्रिशनरी फंड से 1,25,00,000 रुपया इस मंदिर के लिए रखता हूँ ताकि शुरुआत हो जाए। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, उनके मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं उनसे मैं ये कहूँगा कि इस पूरे काशी की बढ़ोतरी के लिए, इसकी शान बढ़ाने के लिए केवल इस देश में नहीं पूरी दुनिया में स्थान का चर्चा है, मान्यता है, इसको और ज़्यादा चार चांद लगाए जाएं। मैं यही कहकर अपना स्थान लेना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आयुक्त वाराणसी श्री सौरभ चंद्र जी से अनुरोध करती हूँ कि वे कृपया मंच पर आएं और माननीय मंत्री